सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार जब मैंने ब्रोनेरा 77 की शॉर्ट वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल डाला था तो उस वाली वीडियो पे यार काफी ज्यादा कमेंट आए थे कि भाई ब्रोनेरा 77 की जैसा सेवर इफेक्ट ऐड करना सिखाओ जैसे कि वो अपने वीडियोस में ऐड करता है, जो कि देखने में यार काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल लगता है। सो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप लोग अपने वीडियो में सेवर इफेक्ट यूज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे। सो यार वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। सभी लोग यार एक साथ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग यार चैनल पे पहली बार आए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में गाइस ये चार एप्लीकेशन यूज होने वाले हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। सो सबसे पहले गाइस आप लोग को आना है कैपकट एप्लीकेशन में, और इधर आने के बाद में जो भी आप लोग की शॉर्ट वीडियो है जिसको आप लोग एडिट करना चाहते हो उसको गाइस आप लोग को ले लेना है। देन इसके बाद में गाइस आप लोग को मतलब कहाँ पे जो सेवर इफेक्ट ऐड करना है वो पहले आप लोग देख लो। सो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जहाँ पे आप लोग स्लो मोशन ऐड करोगे आप लोग उधर ही करना सेवर इफेक्ट ऐड, ठीक है। सो जैसे कि गाइस मुझे चाहिए यहाँ पे स्लो मोशन, जैसे कि ये बोर्ड है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये बोर्ड है यहाँ पे मुझे स्लो मोशन देना है, ठीक है। तो इसके लिए गाइस आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। देन आप लोग अपने स्क्रीनशॉट में आ जाना, और इसके बाद में गाइस आप लोग को बस वही चीज़ रखनी है जिस पे आप लोग को सेवर इफेक्ट ऐड करना है। सो मुझे चाहिए यहाँ पे, सो गाइस मैं ओनली इस वाले बोर्ड को लेके यहाँ पे सेव कर लूँगा, ठीक है। अभी हमारा जो बोर्ड है वो सेव हो चुका है, और आप लोग एक चीज़ याद रखना, आप लोग सेवर इफेक्ट उसी जगह पे डालना जहाँ पे आप लोग ने स्लो मोशन किया है, ताकि आप लोग का ऑब्जेक्ट जो है उस पे आप लोग सही से ऐड कर सको। सो मैंने यहाँ पे पहले से स्लो मोशन कर लिया है, देन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और आप लोग को और कौन सी जगह पे करना है, जैसे कि आप लोग को गन पे भी करना है तो आप लोग एक यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग को कैरेक्टर पे करना है तो इसका भी ले लेना। मैं आप लोग को बोर्ड पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आप लोग बाकी जगह का सेम तरीके से कर लेना। सो जैसे ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप लोग कैपकट को कर दो यहाँ पे क्लोज। देन आप लोग को आना है बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन में, और इधर गाइस आप लोग को लोड ए फोटो पे जाके उस स्क्रीनशॉट को लेके आ जाना है, तो मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। सो ये है गाइस हमारा स्क्रीनशॉट, इसको सिलेक्ट करने के बाद में ऊपर डन कर देना, और यहाँ पे गाइस आप लोग को मैनुअल का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेना। देन आप लोग यहाँ पे कितना भी जूम कर सकते हो, और आप लोग के सामने कुछ ऐसा दिखेगा जिसको आप लोग ऐसे ड्रॉ करके रिमूव कर सकते हो। नीचे से आप लोग साइज को एडजस्ट कर लेना, और आप लोग को जितना मतलब ऐड करना है, मतलब जितना आप लोग को रखना है बोर्ड गाइस हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी का जो भी है उसको आप लोग रिमूव कर देना। सो मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ, आप लोग एकदम टाइम दे के करना तो आप लोग का और भी परफेक्ट होगा, ठीक है। मैं आप लोग को बस बताने के लिए कर लेता हूँ। सो यहाँ पे गाइस मैंने बैकग्राउंड को कर लिया है रिमूव, ठीक है। अब गाइस इसके बाद में आप लोग को डन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे गाइस आप लोग वन टू जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना। सो आप लोग यहाँ पे वन सिलेक्ट करके सेव कर लेना। सो सेव करने के बाद में गाइस अब आप लोग को मोशन निंजा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और इसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। अब आप लोग को गाइस न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे गाइस आप लोग को क्या करना है 16:9 को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेना है पहले तो। देन इधर प्लस वाले बटन पे जाके जो आप लोग ने अभी बैकग्राउंड रिमूव करके उस बोर्ड को PNG में कट किया है उसको गाइस आप लोग को लेके आ जाना है। सो ये है गाइस हमारी PNG जिसको हमने कट किया था। अब आप लोग को नीचे इस पर क्लिक करना है, और अगर आप लोग को इसको छोटा करना है तो आप लोग छोटा कर लेना, और PNG को गाइस आप लोग टाइम दे के कट करना, ठीक है, ताकि आप लोग का और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने आप लोग को बताने के लिए बस जल्दी जल्दी में कर लिया है। तो अब आप लोग को नीचे अपनी इस वाली लेयर को सिलेक्ट करके आना है एडिट में, और इधर गाइस आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा कटआउट का, ठीक है। कटआउट में आके आप लोग को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप लोग को ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप लोग सिलेक्ट करोगे तभी आप लोग की जो पिक्चर है उस पर सेवर इफेक्ट ऐड होगा, तो आप लोग ऐसा कर लेना। सो अब आप लोग को आना है FX में, और इधर गाइस आप लोग को थर्ड ऑप्शन मिलेगा सेवर का, सेवर में आ जाना है। देन यहाँ पे गाइस आप लोग को जो भी सेवर इफेक्ट सही लगता है, जैसे कि मैं फर्स्ट वाला सिलेक्ट करूँगा, और इधर गाइस आप लोग को प्रीसेट मिल जाएंगे जैसे आप लोग सिलेक्ट करोगे, तो मैं यहाँ पे प्रीसेट वन सिलेक्ट करूँगा। देन इसके बाद में गाइस आप लोग डन कर दो, मतलब डन मत करो, ऊपर जो ये दिख रहा है आप लोग इसको पूरा पहले अपने लेयर के हिसाब से कर दो, जितनी आप लोग की लेयर है उतना आप लोग कर दो। देन ये जो की फ्रेम दिख रहा है आप लोग को इसको होल्ड करके रखना, और इसको एकदम आप लोग को एंड में लगा देना है, ठीक है। इसके बाद में गाइस अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को आना है यहाँ पे, मतलब क्लिक करना अपने प्रीसेट बन पे, जो पेंसिल का टूल दिख रहा है आप लोग को नीचे, ये इस पर आप लोग क्लिक करना। देन आप लोग को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो आप लोग को अब क्या करना है, आप लोग को आना है एकदम एंड में, ठीक है। एंड में आप लोग को आना है, और ये जो आप लोग को यू का ऑप्शन दिख रहा है इसको आप लोग एकदम एंड तक कर देना, तो इससे होगा क्या,
जो आप लोग की ये एंड तक आएगा टाइमर, तो यहाँ पे ये सारे कलर्स आ जाएंगे एक में, तो आप लोग ऐसा करके की फ्रेम ऐड कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। अभी गाइस आप लोग को क्या करना है, जो आप लोग की ये फोटो है अब इसको आप लोग को हाइड करना है, तो आप लोग को नीचे हाइड का ऑप्शन मिलेगा, हाइड कर देना ठीक है। और जहाँ पे भी अगर कहीं पे भी शो भी होता है तो आप लोग हाइड कर देना, तो ये हाइड हो जाएगा। इसके बाद में हमारा यहाँ पे इफेक्ट आ चुका है, अब आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बैक आना है और ऊपर जाना है। यहाँ पे गाइस आप लोग इसको 1080p में एक्सपोर्ट कर लेना। तो इसके बाद में गाइस आप लोग सिक्योर VPN को ओपन करके कनेक्ट कर लेना ठीक है, क्योंकि हमको ब्लेंडिंग मोड को यूज करना है अब कैपकट एप्लीकेशन में, तो आप लोग इसको कर लेना। देन इसके बाद में कैपकट को ओपन कर लो और जो आप लोग का प्रोजेक्ट है उस पर आ जाओ। सो यहाँ पे गाइस हम आ चुके हैं और हमें चाहिए था यहाँ पे ठीक है, आप लोग मतलब हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था। सो हम इसको पूरा की फ्रेम करने वाले हैं, उसके लिए आप लोग पहले अपने स्लो मोशन वाली क्लिप पे टच करना, देन नीचे आप लोग को ओवरले में जाना है और ऐड ओवरले में जाके जो अभी हमने क्लिप को सेव किया था उसको लेके आ जाना है। सो ये है गाइस हमारी क्लिप, इसको ले आने के बाद में आप लोग को ब्लेंड में जाना है और इधर आने के बाद में गाइस आप लोग को सेकेंड ऑप्शन मिल जाएगा फिल्टर का ठीक है, इसको सिलेक्ट करके कर देना है यहाँ पे डन। देन अब गाइस आप लोग को इसको एडजस्ट करना है, जैसे कि अभी जो हमारा वीडियो है वहाँ पे गाइस ओनली इतना फ्रेम दिख रहा है, तो आप लोग इसको बड़ा कर लो ठीक है। एकदम हम पूरा सेट करके चलेंगे तो यार देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। सो इसको आप लोग को बड़ा कर लो बोर्ड के हिसाब से ठीक है। सेम ऐसा ही गाइस आप लोग अपने कैरेक्टर पे कर सकते हो, गन पे कर सकते हो, जहाँ पे भी इफेक्ट को ऐड करना है वहाँ पे गाइस आप लोग कर लेना ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सो इसको पहले आप लोग सेट कर लो। सो जैसा ही गाइस मैंने पहले यहाँ पे रख लिया है, अब आप लोग को नीचे दोनों फिंगर से जूम कर लेना है ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। सो यहाँ पे हमारा वीडियो आया और यहाँ पे हमारा इफेक्ट भी आ चुका है ठीक है। अब आप लोग को थोड़ा सा आगे आना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ये इफेक्ट है वो थोड़ा सा आगे जा चुका है। तो इसको आप लोग को कैसे सही करना है, आप लोग पहले इस वाले प्लस वाले बटन पे क्लिक करो, देन इसको गाइस अब आप लोग एडजस्ट कर लो ठीक है एकदम ऐसे। सो हमारा ये परफेक्ट हो चुका है, अब आप लोग को थोड़ा सा और आगे आना है, देन यहाँ पे फिर से जा चुका है तो प्लस वाले बटन पे क्लिक करो और इसको बोर्ड के हिसाब से एकदम एडजस्ट कर लो। सो इतना हो चुका है, अब थोड़ा सा फिर आगे आओ और इधर भी गाइस हमारा फिर से आगे जा चुका है। सो इसको की फ्रेम पे मतलब प्लस वाले बटन पे क्लिक करो और बोर्ड पे टच कर दो ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा हो जाएगा। सो मैं इसको सही से कर लेता हूँ, देन थोड़ा सा और आगे आओ और जैसे ये आगे पीछे होता है तो प्लस वाले बटन पे क्लिक करके इसको सही करना है ठीक है। तो ऐसा आप लोग कर लेना, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहीं से जो मुड़ने लगा है, तो इसको आप लोग को कैसे करना है, आप लोग प्लस वाले बटन पे मतलब थोड़ा सा पीछे आओ और जैसे ये गाइस मुड़ता है तो आप लोग यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करो और इसको गाइस एकदम एंड में लगा दो ठीक है, जहाँ से आप लोग का बोर्ड मुड़ता है वहाँ पे आप लोग को लगा देना है। और फिर ये यहाँ पे पीछे आ चुका है तो फिर से प्लस वाले बटन पे क्लिक करो और इसको कर लो एडजस्ट ठीक है। सो ऐसा गाइस आप लोग कर लेना, एकदम टाइम दे के करोगे तो यार परफेक्ट हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन आप लोग का वीडियो एकदम OP बन जाएगा। सो ऐसा करके गाइस आप लोग कर सकते हो, और अगर आप लोग को गन पे भी करना है तो कोई भी हार्ड नहीं है, आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। सेम फिर बैकग्राउंड वाले ऐप में जाओ और इसको कट कर लो, मतलब ओनली गन रहनी चाहिए, बाकी सबको रिमूव कर दो। देन मोशन निंजा में जाके इसकी सेवर इफेक्ट को ऐड कर लो, देन कैपकट में आओ और इसका जो मतलब ऐड ओवरले में जाके ऐड कर लो और की फ्रेम से इसको एनिमेट कर दो, बस आप लोग का काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग का काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। सो आई होप के गाइस अब आप लोग को समझ में आ चुका होगा कैसे आप लोग सेवर इफेक्ट ऐड कर सकते हो अपने वीडियोस में।